हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल, प्रोटेक्टर और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एग्जाम्पल नंबर 11, टू कंस्ट्रक्ट अ काइट इज टू अनइक्वल साइज एंड द कंटेंट एंगल बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ काइट विथ टू ऑफ इट्स अनइक्वल साइड्स बीइंग 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल कंटेंट बाय द साइड्स बीइंग ऑफ 100 डिग्री। हिंदी प्रश्न विभाग 5वां, चतुर्भुज रचना, उदाहरण 11वां। संलग्न आसन्न भुजाओं और उनके बीच के कोण को देखते हुए एक समांतर चतुर्भुज बनाना। प्रश्न, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आसन्न भुजा वाला और जिसका कोण 100 डिग्री वाला हो, ऐसा एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। मराठी प्रश्न, दोन बाजू अनुक्रमे 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर आणि त्यामधील 100° मापाचा एक कोण असणारा समद्विभुज पतंगाकृती चौकोन काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिए गए अनुसार पहले हमें एक बेस लाइन लेना है। यहाँ पर दो लाइन दिए हैं, उसमें से आप कोई भी एक बेस लाइन ले सकते हो। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दो लाइन दिए हैं। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर ये बेस लाइन लेंगे, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाला एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसे नाम देना है ए बी 5 सेमी। उसके बाद बी पॉइंट से हमें यहाँ पर एक एंगल बनाना है 100 डिग्री वाला, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा दिया है, मेंशन किया है। तो प्रोटेक्टर को यहाँ पर कैसे लगाना है, सेंटर वाला जो पॉइंट है प्रोटेक्टर का बी पॉइंट से मैच करना है, और प्रोटेक्टर पर जो ब्लैक लाइन है वो ए बी लाइन से मैच करना है, और यहाँ से काउंटिंग करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर मार्क किया मैंने 100 पर, 100 पर। अभी जो मार्क बनाया वो मार्क और बी पॉइंट को हमें जोड़ना है इस प्रकार से, और इस लाइन को यहाँ पर नाम देना है यल। यहाँ पर लिखना है 100 डिग्री। ए बी यल हमारा एंगल रेडी हो गया है। क्वेश्चन में हमें दो लाइन दिया था, दो भुजा दी थी, उसमें से हमने एक लिया है और एक एंगल दिया था, बची एक। तो राउंडर में हमें कंपास में रेडियस लेना है 3 सेंटीमीटर, राउंडर में डिस्टेंस लेना है 3 सेंटीमीटर, और हमारा सेंटर पॉइंट होगा बी। बी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें बी एल इस लाइन पर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। आर्क बनने के बाद उस आर्क ने बी एल लाइन को जहाँ पर क्रॉस किया है वह पॉइंट मिला है सी। अब कंपास में जो डिस्टेंस है वो बी सी इतना है, तो अब हमारा सेंटर पॉइंट होगा सी। सी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें लेफ्ट साइड को, बी एल लाइन के लेफ्ट साइड को एक आर्क बनाना है। उसके बाद हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है ए बी इतना, यानी कितना, ए बी इतना यानी 5 सेंटीमीटर इतना अंतर, ए बी इतना यानी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें फिर से कंपास में लेना है, और उसके बाद ए पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यहाँ पर दूसरा आर्क बनाना है।
दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं। यहां पर पॉइंट मिला है डी। अब हमें ए और डी पॉइंट को लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से, और सी डी इन दो पॉइंट को यहां पर लाइन से जोड़ना है इस प्रकार। यह हमारा पतंगाकृति यानी काइड जैसा स्क्वायर ए बी सी डी तैयार हो गया है। बी सी जो डिस्टेंस है लाइन का वो हमने 3 सेंटीमीटर लिया था, इसलिए यहाँ पर लिखना है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बच्चों आप प्रैक्टिस करते समय इन लाइन का जो डिस्टेंस है वो चेंज करना है आपको, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है इसका भी डिस्टेंस आपको चेंज करना है, 110 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर ऐसा करना है, और इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।